भारत में ऐसे बहुत से किसान हैं जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन कृषि कार्य को समय पर निपटाने के लिए कृषि यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा कीमत होने व जोत का क्षेत्रफल कम होने के कारण छोटे किसान इसको खरीद नहीं पाते हैं, तो सरकार द्वारा ऐसे किसानों की मदद के लिए कृषि यंत्र बैंक स्कीम चलाई गई है। ये स्कीम भारत के कई राज्यों में चलाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान समूह बनाकर इस स्कीम का लाभ ले सकें और वे सभी कृषि यंत्र जिनकी उनको आवश्यकता है उनकी खरीद कर सकें। आज की हमारी जानकारी बिहार के किसानों के लिए है। अगर आप बिहार के किसान नहीं भी हैं तो भी इस वीडियो को देखिए, लेकिन इसमें जो अप्लाई का तरीका है, जो हमें आवेदन करने के लिए दस्तावेज मांगे जाते हैं, वो लगभग एक समान रहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए भी लाभदायक हो सकती है अगर आप बिहार से दूसरे राज्य के किसान हैं। तो कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, इससे पहले योजना का लाभ उसने ना लिया हो और एक समूह बनाकर वो सब्सिडी ले सकता है। उनके पास कृषि योग्य भूमि होनी आवश्यक है। कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए दस्तावेज क्या चाहिएंगे? सबसे पहले सभी सदस्यों का आधार कार्ड चाहिएगा, ज़मीन की जमाबंदी चाहिएगी, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिएगी, समूह के नाम एक बैंक खाता, सभी का जो मोबाइल नंबर और उनके कोई दूसरी आईडी जिसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये सब्सिडी स्माम स्कीम के तहत दी जा रही है और बिहार के राज्यों को फ़िलहाल ये सब्सिडी दी जा रही है और 80% सब्सिडी आप ले सकते हैं। आवेदन शुरुआत की जो तिथि है वो 2 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 31 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करना है? आपको कृषि विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आपको उस लिंक पर जाना है। वेबसाइट में वहाँ पर आपको बिहार की आधिकारिक वेबसाइट दी हुई है और पूरी जानकारी दी हुई है कि कैसे और किस तरह से अप्लाई करना है, कौन इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। तो इस खेतीबीज.com वेबसाइट पर आप गूगल सर्च में भी जा सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से भी आप उस साइट पर पहुंच सकते हैं। तो आप आवेदन कीजिए। धन्यवाद।